फाइनली अब बिहार और झारखंड को भी वंदे भारत ट्रेन मिल गई। पटना से रांची के बीच नई वंदे भारत ट्रेन 25 अप्रैल से स्टार्ट होने की उम्मीद है और ये वंदे भारत एक्सप्रेस मात्र 7 घंटे में ही दोनों राज्यों की राजधानी को कनेक्ट कर देगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं पटना रांची वंदे भारत ट्रेन के बारे में। इस साल के आम बजट में बिहार के लिए 3 वंदे भारत ट्रेन की घोषणा हुई थी, पटना से हावड़ा वंदे भारत, पटना से रांची वंदे भारत और वाराणसी से हावड़ा वंदे भारत वाया गया, जिसमें से फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन 25 अप्रैल से स्टार्ट होने की उम्मीद है, जो कि बिहार की राजधानी पटना से झारखंड की राजधानी रांची के बीच शुरू होगी। लगभग सभी वंदे भारत ट्रेन के इनॉग्रेशन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद मौजूद रहते हैं और हरी झंडी दिखाते हैं, तो इस बार भी इस ट्रेन के इनॉग्रेट करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पटना आने की उम्मीद है। पटना से रांची का सफर वंदे भारत एक्सप्रेस 7 घंटे में पूरा करेगी, यानी कि वंदे भारत ट्रेन मॉर्निंग में 6:45 पर पटना से स्टार्ट होगी और दोपहर में 1:45 पर रांची के हटिया पहुंचेगी। वापसी में हटिया से दोपहर में 2:30 यह ट्रेन स्टार्ट होगी और पटना आएगी रात के 9:30। वर्तमान में जनशताब्दी एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे और 45 मिनट का समय लेती है पटना से रांची पहुँचने में, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस से लगभग 45 मिनट का समय बचेगा दोनों शहरों के बीच ट्रेवल करने में। वंदे भारत एक्सप्रेस जानी जाती है कंफर्ट, सेफ्टी और लग्जरी के साथ हाई स्पीड जर्नी करने के लिए, तो इस रूट में वंदे भारत ट्रेन के चलने से लोगों को कंफर्टेबल जर्नी का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए किराया भी ज्यादा देना होगा। ये वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से स्टार्ट होकर जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरका काना और टांटी सिलवे होते हुए रांची के हटिया तक चलेगी, लेकिन बीच में इसका स्टॉपेज केवल 2 या 3 जगह होने वाला है। अभी इसका स्टॉपेज क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इस वंदे भारत ट्रेन का रूट, स्टॉपेज, टाइमिंग और किराया सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर एक डिटेल वीडियो बनाकर इस वंदे भारत ट्रेन के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। वैसे आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार के लिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है, क्योंकि बिहार में अभी भी एक वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल है। अभी हावड़ा से जलपाईगुड़ी के बीच एक वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट होती है, जो कि बिहार के कुछ हिस्से से भी क्रॉस करती है और बिहार में इस वंदे भारत ट्रेन का एक स्टॉपेज भी है। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन का एक स्टॉपेज बारसोई में भी है, जो कि बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। वैसे ये वंदे भारत ट्रेन तो मेनली वेस्ट बंगाल को ही डेडिकेटेड थी, लेकिन 25 अप्रैल से शुरू होने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार और झारखंड दोनों राज्यों की राजधानी के साथ साथ कुछ प्रमुख शहरों को भी कनेक्ट करेगी। तो फाइनली बिहार और झारखंड के लोगों को 25 अप्रैल से वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च होगी। वैसे सबसे ज्यादा डिमांड है वाराणसी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये ट्रेन बिहार में गया से होकर क्रॉस करेगी। वैसे वाराणसी से कोलकाता के पास हावड़ा तक एक शानदार 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस एक्सप्रेसवे का ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। बाकी वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड अगर आप और वीडियोज देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आप किस रूट के वंदे भारत ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।